नमस्कार दोस्तों, मंथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं ज्योग्राफी का। इससे पहले जो हमने बात की वो बात हमारी हुई थी राजस्थान के जिला निर्माण पर, राजस्थान के संभाग निर्माण पर। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है राजस्थान का नामकरण। तो राजस्थान और राजस्थान का नामकरण, राजस्थान के नामकरण के ऊपर हम बात करें तो राजस्थान के नामकरण में कि इसका नाम राजस्थान किस प्रकार से पड़ा, किस प्रकार से नाम राजस्थान रखा गया, प्राचीन में इसे किस नाम से जाना जाता था, आधुनिक काल मध्यकाल में इसे किस नाम से जाना जाता था, और अंतिम रूप से इसका राजस्थान नाम कब रखा गया, उसके ऊपर हम देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन काल, प्राचीन काल में इस राजस्थान के हमें तीन नाम हैं, वो तीन नाम देखने को मिलते हैं। उन तीन नामों में सबसे पहला नाम जो था वो था ब्रह्मव्रत प्रदेश। प्राचीन काल का पहला नाम ब्रह्मव्रत प्रदेश। ये ब्रह्मव्रत प्रदेश राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ से होकर वर्तमान की जो घग्गर नदी बहती है, इस वर्तमान की घग्गर नदी को सरस्वती या द्रसदती के नाम से जाना जाता था। और इस सरस्वती नदी का जो उल्लेख है वो सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो ये सरस्वती नदी है, इस सरस्वती नदी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। तो ये ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है, वो नाम ब्रह्मव्रत प्रदेश देखने को मिलता है प्राचीन सरस्वती नदी के कारण, जिसे पवित्र नदी बताया गया है। तो ये प्राचीन सरस्वती पवित्र नदी है, इसके कारण इस राजस्थान का नाम ब्रह्मव्रत प्रदेश प्राचीन काल में पहले स्तर के ऊपर रखा गया। दूसरा नाम जो रखा गया वो नाम था मरुकांतार। मरुकांतार नाम है, ये वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उल्लेखित किया है। तो वाल्मीकि की रामायण में जो उल्लेखित नाम है वो वाल्मीकि की रामायण में उल्लेखित नाम हमें देखने को मिलता है मरुकांतार। कारण ये भारत के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में स्थित एक मरुस्थलीय प्रदेश है, इस कारण इसे मरुकांतार का नाम दिया गया। तीसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है उसे कहते हैं राजस्थानी आदित्या। राजस्थानी आदित्या नाम है, इस राजस्थानी आदित्या नाम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, वो उल्लेख कि विक्रम संवत 682 का एक वसंतगढ़ शिलालेख मिला है। इस शिलालेख के ऊपर इस नाम का उत्कीर्णन देखने को मिलता है। तो इस नाम का उत्कीर्णन किया गया है कि ये वसंतगढ़ शिलालेख किसी चावड़ा वंश के शासक वर्मलात ने दास प्रथा के ऊपर लिखवाया था। तो संभवतः इस शिलालेख में राजस्थानी आदित्या नाम है वो उत्कीर्णन करवाने के पीछे ये उद्देश्य कि प्राचीन में इसी राजस्थानी आदित्या के नाम से इस प्रदेश को जाना जाता होगा। तो तीसरा नाम जो देखने को मिलता है वो है राजस्थानी आदित्या। तो प्राचीन काल में इस राजस्थान के हमें तीन नाम देखने को मिलते हैं, एक ब्रह्मव्रत प्रदेश, एक मरुकांतार और एक राजस्थानी आदित्या। उसके बाद में जो नाम हमें देखने को मिलते हैं वो आता है मध्यकाल। तो उसके बाद में मध्यकाल, मध्यकाल है, मध्यकाल के दो ग्रंथ जहां राजस्थान शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, उन ग्रंथों में एक नाम आता है नैणसिरी ख्यात। और यह लिखा गया था मुहूर्त नैणसी द्वारा। इन्हें राजस्थान का अब्बुल फजल भी कहा जाता है। दूसरा जो नाम है वो था
ग्रंथ राज रूपक। इस राज रूपक ग्रंथ की रचना वीर भाण द्वारा की गई थी। तो राज रूपक ग्रंथ वीर भाण के द्वारा लिखा गया। इन दोनों ग्रंथों में मध्यकाल में जिस शब्द का उल्लेख है वो शब्द है राजस्थान। तो मध्यकालीन दो ग्रंथों में इस प्रदेश के लिए हमें राजस्थान शब्द मिलता है। तीसरा जो बात आती है वो आती है आधुनिक काल की, कि आधुनिक काल में इस राजस्थान को किस नाम से जाना गया। तो आधुनिक काल की दोस्तों अगर हम बात करें कि आधुनिक काल में राजस्थान है, इस राजस्थान को किस नाम से जाना गया, किस प्रकार से जाना गया, तो उसकी अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में पहला जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है राजपूताना। कि सबसे पहले इस राजस्थान को आधुनिक काल में जो नाम दिया गया था वो नाम राजपूताना दिया गया था। तो आधुनिक काल में पहला नाम राजपूताना। राजपूताना नाम है, ये राजपूताना नाम दिया गया था 1800 ईस्वी में। देने वाला व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के द्वारा इस प्रदेश को राजपूताना नाम दिया गया। इसके बारे में बताने वाले व्यक्ति था, उसने 1805 ईस्वी में इसके बारे में बताया, उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन 1805 ईस्वी में बताता है कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। अर्थात वो कहता है कि यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश था जो राजपूतों द्वारा शासित था, और राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण संभवतः जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपूताना नाम दिया। जिस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने इस नाम का उल्लेख किया है वो पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने बताया कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने 1800 ईस्वी में इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद के जो नाम हमें देखने को मिलते हैं उनमें एक नाम तो आता है रजवाड़ा। राजाओं की सानो सोकत या उनके ठाट बाट। इसी कड़ी में दूसरा नाम रायथान, राजाओं का निवास स्थान। इसी कड़ी में तीसरा जो नाम है वो है राजस्थान। पुरानी बहियों व्याख्यातु के आधार पर ये तीन नाम आधुनिक काल में देखने को मिलते हैं। रजवाड़ा की यहां जो शासक शासन करते थे उन राजाओं की सानोसोकत ठाट बाट के कारण जो नाम पड़ा वो था रजवाड़ा। दूसरा रायथान की राजाओं का निवास स्थान था ये, इस कारण से रायथान कहा गया। और राजस्थान
पुरानी बहियों और ख्यातों के आधार पर कि इससे पीछे हमने मध्यकाल में देखा कि मध्यकालीन दो ग्रंथों में इस प्रदेश का नाम राजस्थान उल्लेखित किया गया है, उन्हीं ख्यातों और बहियों को पढ़कर यह नाम दिया गया था। ये नाम देने वाले जो व्यक्ति थे उन व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इन्हें राजस्थान का इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1829 ईस्वी में ये नाम प्रदान किए। इनकी पुस्तक थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश के लिए रजवाड़ा शब्द दिया, रायथान शब्द दिया और राजस्थान शब्द दिया। तो ये आधुनिक काल में तीन नाम कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस प्रदेश के लिए दिए गए थे। आधुनिक काल में हम आगे चलते हैं तो आगे हमें जो इसके नाम के बारे में देखने को मिलता है वो ये था कि स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने से पहले राजस्थान है, इस राजस्थान का एकीकरण किया गया। तो राजस्थान का एकीकरण सात चरणों में 1948 से 1956 के मध्य किया गया। उस समय देखो जो प्रमुख चरण थे उन प्रमुख चरणों में पहला चरण जो चला, उस पहले चरण में जो रियासतें साथ आई और उन रियासतों ने जिस संघ का निर्माण किया उस संघ को कहा जाता है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को चार रियासतों द्वारा मिलकर गठित किया गया था। मत्स्य संघ के बाद में एकीकरण का द्वितीय चरण और द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को संपन्न हुआ और इस चरण में कई रियासतों ने मिलकर पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण किया। और यह जो पूर्वी राजस्थान संघ एकीकरण के द्वितीय चरण में बना वो स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा समय था जब इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण किया गया और इस प्रदेश के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो था राजस्थान। तो एकीकरण के द्वितीय चरण में यह शब्द प्रयोग में लिया गया। उसके बाद आगे राजस्थान का एकीकरण चलता रहा। एकीकरण चलने के दौरान 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होते समय इस प्रदेश के नाम के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था पी सत्य नारायण राव। इस पी सत्य नारायण राव समिति को यह कार्य सौंपा गया कि आप इस प्रदेश के लिए कोई उचित नाम सुझाएं। तो इस पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अंतिम रूप से भारत के संविधान में इस प्रदेश के लिए राजस्थान नाम का प्रयोग किया गया। तो संविधान में इस प्रदेश को जो नाम रखा गया वो राजस्थान था। इस तरह आगे राजस्थान है, इस राजस्थान की जो एकीकरण पूरा हुआ वो तो 1 नवंबर 1956 को माना जाता है, मगर उससे पहले राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 30 मार्च को, कि 30 मार्च को लगभग लगभग राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया,
पूरा हो गया तो उस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण हुआ, राजस्थान का पूर्ण रूप से निर्माण हो गया। तो इस 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को, तो इस कारण से 1 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। यह राजस्थान का नामकरण है जो अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राचीन से लेकर आधुनिक तक राजस्थान के कौन कौन से नाम रखे गए, तो उन नामों के ऊपर हमने इसके अंतर्गत चर्चा की। इस तरह से आज हमने ये जो नामकरण देखा राजस्थान का, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के विस्तार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स हैं वो लेकर आएंगे। धन्यवाद।